तो नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के डायनामाइट फेंक रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार की समस्या का ना तो हल है ना ही कोई स्थायी समाधान। दरअसल नेता नौकरशाह और बिल्डर्स के बीच भ्रष्टाचार के गठजोड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अवैध इमारतों के फल देश के हर शहरों में नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे पूरे देश में फैल चुकी है भ्रष्टाचार की पौध। एपेक्स और सियान नाम के इन दो टावर्स को खड़ा करने वाली कंपनी सुपरटेक ने फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों से वादा करते हुए कहा था कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर सबसे ऊंचे आवासीय टावर एपेक्स टावर में आपका स्वागत है। अब हर दिन उठकर यमुना का मनमोहक नजारा देखें या जब आप अपनी विशाल बालकनी में पार्टी करते हैं तो नोएडा को नीचे की ओर झिलमिलाते हुए देखें। लेकिन इस सुपरटेक बिल्डर के वादे का क्या नतीजा हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की ये ऊंची मीनार जमींदोज हो गई। ध्वस्त होने के बाद उठा मलबा तो कुछ देर में शांत हो गया, लेकिन इससे अब राजनीतिक गुबार उठना शुरू हो गया है। आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी परिणति आज देखने को मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, यह एक सब पर्याय बन गए। अगर यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी समझी होती तो आज इतनी बड़ी इमारत को ढहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भ्रष्टाचार सपा शासनकाल के समय हुआ था और ये इसका जवाब देना चाहिए उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि इस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने क्यों होने दिया था, उससे उन्होंने क्या लाभ उठाया है। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने लिखा कि नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अराजकता का जीवंत प्रमाण है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की प्रतीक ये अवैध इमारत जमींदोज हो रही है। यही है न्याय, यही है सुशासन। उधर समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है और जब ये सरकार गिरने गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। भ्रष्टाचार की इमारत के जरिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तो निशाना साधा, लेकिन मायावती की बीएसपी का जिक्र नहीं किया, जिसकी सरकार में विवादित टावर को लेकर दो बड़े फैसले किए गए थे। ट्विन टावर की राजनीतिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि 23 नवंबर 2004 को सुपरटेक को जमीन दी गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 20 जून 2005 को बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी गई। सीएम मुलायम सिंह यादव ही थे। 29 दिसंबर 2006 को 9 फ्लोर से बढ़ाकर 11 फ्लोर की मंजूरी दी गई। मुलायम सिंह यादव उस समय भी मुख्यमंत्री थे। साल 2009 में विवादित ट्विन टावर को मंजूरी दी गई। उस समय यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थीं। 2 मार्च 2012 में ट्विन टावर को 24 फ्लोर से बढ़ाकर 40 मंजिल की मंजूरी मिली। उस समय यूपी में मायावती ही मुख्यमंत्री थीं। 15 मार्च 2012 को मायावती सीएम पद से हटी और अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से 6 दिन पहले यानी 9 मार्च 2012 को ही मामला कोर्ट में चला गया था। 10 साल से ज्यादा की कानूनी लड़ाई के बाद ट्विन टावर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन नोएडा का ये ट्विन टावर बिल्डर, नेता और नौकरशाहों के बीच भ्रष्टाचार की एक ऐसी मिसाल बनकर इतिहास में दर्ज हो चुका है, जिसका जिक्र लोग आगे भी करते रहेंगे। जो भ्रष्टाचार के ट्विन टावर थे उनका डेमोलिशन हो चुका है, क्या कहेंगे आप लोग? भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स खत्म हो गए महज कुछ सेकंड में। भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो गया, ये देश के लिए एक मिसाल है।
जो भ्रष्टाचारी कम से कम देख के तो डरेंगे कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। नोएडा ही नहीं, देश के हर छोटे बड़े शहरों में बिल्डर, नेता और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के गठजोड़ से सैकड़ों अवैध इमारतें उगाई हैं, जिनकी तरफ हर किसी की नजर नहीं जाती है। शहरों में बनती अवैध इमारतें कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इस बात से ही आसानी से लगाया जा सकता है कि MCD और DDA के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 64,321 अवैध इमारतें हैं, तो वहीं बेंगलुरु में करीब 2,00,000 अवैध इमारतें बनी हुई हैं। नई मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक नवी मुंबई में 23,000 अवैध इमारतें हैं, तो पुणे में 7,342। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक यहां करीब 1,500 अवैध इमारतें हैं, तो वहीं चंडीगढ़ में 58,000। इसी तरह हरियाणा के गुरुग्राम में 1,000, झारखंड के रांची में 5,000 और आगरा में 27,000 अवैध इमारतें हैं। ये महज कुछ शहरों का आंकड़ा भर है, लेकिन इसी से साफ है कि अवैध इमारतों का निर्माण नौकरशाहों, नेताओं और बिल्डरों के गठजोड़ के बिना संभव नहीं है। ने दूसरों को ये सपना दिखाया था कि वो इलाका खाली रहेगा, खूबसूरती के लिए उसका इस्तेमाल होगा, हरी भरी जमीन के लिए उसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पर आपने ऐसी इमारत खड़ी की, तो क्यों की? देखिए, मैं आपको यही अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि ये बिल्डिंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग थी और उसमें बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कोई वायलेशन नहीं किया गया था। अब जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे और फर्दर आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। नेता, नौकरशाह और बिल्डर के बीच करप्शन का गठजोड़ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका एक इशारा एक सरकारी रिपोर्ट से भी मिल रहा है। CVC यानी चीफ विजिलेंस कमीशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के आखिर तक देश में अभियोजन की मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों में 633 सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 171 भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। इनमें से सबसे अधिक 65 मामले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के हैं, जिसमें 325 अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के पास 8 मामले लंबित हैं, जिसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है। जाहिर है, देश भर में करप्शन की जड़ें काफी गहरे तक बैठ चुकी हैं, जिन्हें इस ट्विन टावर की तरह ही उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।